भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने बिजली की विभिन्न समस्याओं को लेकर अधीक्षण अभियंता को संबोधित ज्ञापन बिजली विभाग के एक्सीएन नरेश कुमार को दिया। वीरेंद्र सिंह यादव, जिला प्रमुख प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। ये बिजली की समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था, हमारा था अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में, और ये अधीक्षण अभियंता का सामने कार्यालय है, इनका ये मेन रास्ता है जिधर हम वहाँ मौजूद बैठे हुए हैं। नहीं तो एक्सीएन जो है पता नहीं, वो कह रहे हैं कहीं से उसके सचिव आए हुए हैं इनके विद्युत विभाग के, उनकी मीटिंग में बुला लिया तो ये जो है उस अपना कारोबार इन्हें दे गए। नरेश कुमार जो एक्सीएन है थर्ड मिलक और साहबाज जिनके अंडर में आता है, वो मौके पर आए, उन्होंने आश्वासन भी दिया, ज्ञापन लिया कि साहब मैं ये ऊपर तक आपकी बात एफसी साहब तक पहुँचाऊँगा, और जो मेरी लंडन की समस्या है ये जो जर्जर लाइनों का, इन्होंने कहा कि इसका बजट हम पे आ गया है, लेकिन बारिश का मौसम है, एक महीने दो महीने के बाद जैसी बारिश सटेगी जो जर्जर लाइन ठीक करा देंगे हम। बिजली कटौती सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में है, सावाद में है, कि जर्जर लाइनों की वजह से जब लोड चलता है तो जहाँ फाल्ट हो जाते हैं, आज दिन फाल्ट होते हैं तो फिर बिजली कटौती होना स्वाभाविक है, तार टूट जाते हैं। बिजली चेकिंग जो हो रही है उसमें हमने आज चेतावनी दे दी कि किसी के घर में रात को शाम को 7 बजे के बाद कोई टीम गई तो हमारे किसान उसे बंधक बना लेंगे और चोर चोर करके उसे बंधक बनाएंगे। इस पर हमने ज्ञापन दे दिया, ने अवगत करा दिया है कि यदि इन समस्याओं का तुमने समाधान नहीं किया तो तुम इसके जिम्मेदार हो गए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत। नरेश कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरे थोड़ा किसान यूनियन की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से मांगे अभी इसमें बहुत सारी है, कई हैं वो सर। चलिए पहली डिमांड ये है कि विद्युत लाइनें पुरानी हैं जिनके लिए तार जर्जर हो चुके, तो जर्जर तारों के बारे में है, कुछ ट्यूबवेल की समस्या है, एक दो समस्या हो रहे हैं। क्या उम्मीद है सर? जो समाधान होगा करेंगे, उसमें क्या जर्जर तार की स्कीम आ गई है तो उसमें चेंज करेंगे। ज्ञापन दिया भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों के लिए, पुराने जर्जर तार बदलने के लिए, कुछ ट्यूबवेल की समस्या है, इस तरह के दिए।